बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने के लिए महानगरी मुंबई का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। हम उस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं जिन्होंने छोटे पर्दा यानी टीवी सीरियल के माध्यम से आज अपनी कामयाबी की कदम चूम रही हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी मूवी दबंग सरकार की लीड रोल पर नजर आने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी की। आकांक्षा ने बताया कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके माँ बाप और गाँव वालों का प्यार और दुआएं साथ हैं। टीवी सीरियल के बाद अब वो भोजपुरी फिल्म और बॉलीवुड की फिल्मों में भी जल्द काम करेंगी। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा हमारी महानगरी बॉलीवुड रिपोर्टर से आकांक्षा अवस्थी ने। हेलो माय फ्रेंड्स, आप सबको मेरा हाय एंड बड़ों को नमस्कार एंड छोटों को ढेर सारा सा प्यार। जिस तरह से बड़ों को लेकर इतना ज्यादा सम्मान और आदर देती है आकांक्षा जी हमेशा अपने इंटरव्यूज के पहले, तो आकांक्षा जी जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीरियल्स के बाद कहीं सुपरस्टार के साथ कुछ वर्क करके आई हैं, तो वर्क क्या था और किस तरह की फिल्में और क्या कुछ करके और किस तरह का किरदार और क्या कुछ और कुछ मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि आकांक्षा जी के अंदर सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग से भरी हुई पूरी किताब है, तो इस पिक्चर में आपका क्या नजर आता है? थैंक यू प्रिया, आप मेरी इतनी सारी तारीफ़ें कर रही हैं। और हाँ, मैं एक हमारी रीजनल जो हमारी भोजपुरी पिक्चर बनती है, मैं उसके भोजपुरी हमारी इंडस्ट्री के सुपरस्टार जो हमारे खेसारी लाल यादव जी हैं, जो वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और आज वहाँ पर एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं वो, मैं उनके साथ काम करके आई हूँ और उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही लाइफ टाइम अचीवमेंट रहा है। लाइक पहला काम इतने बड़े स्टार के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। दबंग सरकार ये मूवी है जो भोजपुरी की अब तक की सबसे बड़ी पिक्चर है ये, और ये पारिवारिक पिक्चर है हमारी, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड और रिश्तेदार सबके साथ जाकर के पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में जो मेरा किरदार है वो एक प्यारी सी टीचर है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है, बिल्कुल नहीं डांटती है, बहुत मस्ती मजाक करती है और बहुत इनोसेंट है। और हमारे जो हीरो हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, बट उनका डेवलपमेंट जो आप देखेंगे पिक्चर में जाने के बाद बहुत ही ह्यूज और हल्क और बहुत ही दबंग टाइप से होता है। तो यही एक स्टोरी है, स्टोरी तो मैं डेफिनेटली अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी। हाँ, काम करना उनके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे काम करते समय। और सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी है कि अगर मुझे सुपरस्टार बनना है तो मुझे कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी कि सारी लाल जी के जितना, और जाहिर सी बात है मैं वहाँ तक इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती। और लेकिन हाँ, मैं अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाती रहूँगी और जाहिर सी बात है मीन्स कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और आकांक्षा जी, जिस तरह से भोजपुरी कहा जाए एक अलग हो जा रहा है हिंदी से भोजपुरी, तो आपको इतनी अच्छे से नहीं आती होगी, तो आप ऐसी कोई लाइन डायलॉग जिसे आप बहुत ज़्यादा बार आपको प्रैक्टिस करने के बाद उस डायलॉग उस टेक को आप दे पाई हो? नहीं, ऐसा हालांकि ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हम जब पिक्चर करने जाते तो पहली बात तो हमने मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी तो मैंने वो अच्छे से याद करके रखी थी, प्लस जो मुझे इम्प्रोवाइज़ करना होता था या मुझे जो कुछ करना होता था, तो क्या भोजपुरी बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी हिंदी से ही निकली हुई है। बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, लाइक बानी रवा कहाँ गेल बाड़ा और ये तू का कई गैलस ऐसे करके, मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, तो खाली मुझे गया को गैलस करना था, मीन्स बाड़ा करना था, तो बहुत बस छोटी छोटी सी चीज़ें थी तो हो जाता था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे एक डायलॉग के लिए बहुत बार बोलना पड़ा। हाँ, बस मैं एक गाना गाती रहती थी वहाँ पे, वो मुझे मज़ा आती थी इसलिए मैं वो गाना गाती थी वहाँ पर, और भोजपुरी गाना ही था और बाकी सब अच्छे से हो गया। और जब मुझे कुछ सीखना होता था तो खेसारी जी हमारे महागुरु बन जाते थे, मैं उनको जाके पूछ लेती थी क्योंकि मुझे उन्हीं से सब जानने को मिलता था, कि क्योंकि वो तो मीन्स लाइक उन्होंने महारत हासिल कर रखा है भोजपुरी में, वो भोजपुरी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको उनसे ही जा करके मैं पूछती थी खेसारी जी बताए ना इसके अभी मुझे ये बोलना है इसके लिए मैं क्या बोलूँगी, तो करके बस ऐसी आ गई भोजपुरी वहाँ पर करते करते। सारी ट्यूशन तो मैंने भोजपुरी की उन्हीं से ली है, बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर हैं दीपक त्रिपाठी, उनका भोजपुरी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो तो मीन्स हमारी नेवी जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और हमारे जो डायरेक्टर हैं योगेश मिश्रा जी, उनको भी भोजपुरी के बारे में कुछ भी आता जाता नहीं है, बट हाँ उन्होंने पिक्चर बहुत अच्छी डायरेक्ट करी है, तो ये तो अब बाकी आप लोग डिसाइड करेंगे। तो ये है कि मुझे अगर कुछ सीखना होता था तो मुझे डेफिनेटली खेसारी जी के पास जाना होता था। तो आकांक्षा जी इतने सब कैरेक्टर प्ले करने के बाद भी वो सोचती है कि अभी मैं लोगों से कम हूँ, मुझे अभी और कुछ करना है, क्यों ऐसा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है,
पहली बात तो कोई इंसान कभी लाइफ में फुली परफेक्ट हो ही नहीं पाता, बिकॉज सीखने के लिए इतना कुछ है इस दुनिया में कि कुछ ना कुछ बच जाता है। दूसरा, मेरे फेवरेट और जिन्हें मैं एडमायर करती हूँ, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ हर जगह पे, हमारे अमिताभ बच्चन जी। और तो एज एन एक्टर अमिताभ बच्चन जी का जो एटीट्यूड है, जो ऑरा है, जो एक सीखने की चाहत है, इसीलिए आज तक उन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर कोई ना रिप्लेस कर पाया है ना कोई रिप्लेस कर पाएगा। अगर मुझसे पूछा जाता है तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तो मैं अमिताभ बच्चन जी का नाम लेती हूँ, श्री अमिताभ बच्चन जी हमारे। क्योंकि मैंने उनको जब मैं बच्ची थी, मीन्स मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, वो तब तक तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो लाइक उनको देखते देखते उनकी जो हिंदी इंग्लिश और बाकी और लैंग्वेजेस को, उन्होंने भी तो भोजपुरी पिक्चर करी, उनको जो भी उन्होंने लैंग्वेज बोली है वो उतने ही ऑरे के साथ बोली है, उतने ही अच्छे एक्सेंट के साथ बोली है। उनका जो एक एक शब्द को डिफाइन करने का तरीका है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो ऑरा है, काम पर हमेशा पंक्चुअलिटी, समय पर जाना, समय पर आना, जो सारी चीजें, उन्होंने काम के साथ कभी चोरी नहीं करी, और मैं अपने काम के साथ कभी चोरी नहीं करना चाहती। तो और वो तो आज तक सीखते रहते हैं, तो जब वो सीखते रहते हैं तो हमने तो अभी बाहर ही नहीं आया, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हमें तो बहुत कुछ सीखना है। तो सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ये भी सीखूँ, वो भी सीखूँ, और मैं हर एटलीस्ट मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, और एक एक्ट्रेस, एक एक्टर को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके बारे में उसको कुछ नॉलेज भी नहीं होता है। तो कम से कम मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसी जितनी भी चीज़ें मुझे सीखने को मिले, जो मैं सीख लूँ, कि मुझे उसका बेसिक नॉलेज तो हो, तब मैं उसमें अपना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। कि जब तक आपको, अब जैसे बॉक्सिंग लोग करते हैं, बॉक्सिंग अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप इनएक्ट कैसे करोगे? तो नॉलेज होना, आपको स्विमिंग का बेसिक नॉलेज ही नहीं है, आपको स्विमिंग नहीं भी आती, बट स्विमिंग लोग करते कैसे हैं, एटलीस्ट वो बॉडी लैंग्वेज तो आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लाइक आपको बास्केटबॉल खेलना है बट आपको खेलना नहीं आता है, बट आपको वो बॉडी लैंग्वेज तो आनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी तो आज कोई एक्टर हॉर्स राइडिंग करता है। मीन्स हमारे टाइगर श्रॉफ को ले लीजिए, वो तो कितना कुछ करते हैं लाइफ में, मीन्स वो अचीव करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर लोग डांस करते हैं, उनको सारी टाइप के डांस होते हैं, बॉलीवुड तो सब मिक्स डांस का फॉर्म है एक पूरा। तो ये सारी सी चीज़ें हैं।